तो वहीं मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कोटा से भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला के समर्थन में प्रचार अभियान की कमान को संभाला। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के साथ किरोड़ीलाल ने एक ही दिन में कोटा के इटावा, सुल्तानपुर, भौरा, गढ़ीपान समेत कई स्थानों के तूफानी दौरे करके जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान डॉक्टर किरोड़ी ने देश में केवल पीएम मोदी को ही विकल्प बताते हुए आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर भ्रम का माहौल बनाने, जातियों को आपस में लड़वाने और तुष्टिकरण की राजनीति करने के आरोप जड़े। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा से बात की सहयोगी भंवर एस चारण ने। चुनाव प्रचार के बीच कोटा से आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो आप देखिए इस वक्त किरोड़ीलाल मीणा कैबिनेट मंत्री कोटा में हैं और यहां सुल्तानपुर कस्बे में किरोड़ी की जोरदार तरीके से आगवानी की गई है। किरोड़ी जी, कुछ देर पहले ही प्रहलाद गुंजल यहाँ से निकले, किस तरह का माहौल किरोड़ी मीणा को नजर आ रहा है? आप देखो, ढोल धमाके से बड़े उत्साह के साथ और बच्चों में, कार्यकर्ताओं में इतना जोश है, जनता में इतना जोश है कि प्रचंड मतों से बिरला जी जीत कर फिर लोकसभा पहुंचे और कोटा का फिर देश में मान और सम्मान बढ़ाए। किरोड़ी साहब, पूरा का पूरा चुनाव प्रचार अभियान मोदी पर ही केंद्रित है? हाँ, मोदी तो विश्व का सबसे बड़ा लीडर है उनके, लेकिन कार्यकर्ताओं की बहुत टोली बड़ी है। हमारा संगठन दुनिया में सबसे बड़ा संगठन है, इतना बड़ा कैडर दुनिया में किसी के पास नहीं है, तो कैडर भी काम करता है मोदी जी की प्रेरणा से। सर, एक अवधारणा ये बनाने की कोशिश हो रही है कि पूर्वी राजस्थान से लेकर जो कांग्रेस के युवा नेता है उन्होंने कोटा माधोपुर तक गुर्जर मीणा कॉम्बिनेशन बना दिया है कांग्रेस के हक में। तो पहले से ये गुर्जर मीणा कॉम्बिनेशन कब खिलाफ था? मीणा गुर्जर कॉम्बिनेशन हमारे प्रहलाद जी बीजेपी से लड़ते थे तब भी इनके साथ मीणा रहते थे, अब वो क्यों भटक गए समझ से बाहर है। वो तो एक ही ग्रुप था, बिरला जी, भवानी सिंह, प्रहलाद जी और वो खींची जी, जिन्होंने मेरे साथ मिलकर आंदोलन किया सीमेंट फैक्ट्री का बहुत बड़ा, वो शांति धारवेल के चक्कर में आ गए, भटक गए। मेरा आखिरी सवाल सर, लगातार ये कहा जा रहा है कि अब की बार 400 पार हो गया तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण पर आरक्षण को किसी प्रकार का खतरा नहीं है। कल ही बाड़मेर में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बाबा अम्बेडकर भी आ जाए तो अब भी संविधान को छेड़ नहीं सकते। बिहार में कह दिया कि हम आरक्षण के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेंगे अभी 6 दिन पहले, और कांग्रेस फिर ST SC के बलबूते पर, फिर माइनॉरिटी को बहका कर तुष्टिकरण करके, फिर जाति से जाति को लड़ाकर, गुजर से मीणों को लड़ाकर, जाट से राजपूत को लड़ाकर वोट बटोरना चाहती है। लेकिन देश की दुनिया जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस ने देश में जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ अलावा कुछ नहीं किया। जो भ्रष्टाचार का खात्मा किया है मोदी जी ने किया है, देश में ख्याति पाई है, देश का नाम ऊंचा किया है मोदी जी ने किया है, पाकिस्तान में घुस के एयर स्ट्राइक किए कभी की क्या कांग्रेस ने, मोदी जी ने किया है, और विकास चहुमुखी देश का मोदी जी ने किया है। तो कांग्रेस जातियों में बांट करके और देश को नुकसान पहुंचा रही है, दावा कर रहे हैं कैबिनेट मंत्री किरोड़ी मीणा जो कोटा में आज एक ही दिन में कई सभाएं कर रहे हैं, इटावा में सभा की है, सुल्तानपुर में सभा की है, भौरा में सभा की है, गढ़ेपान में सभा की है, और दावा कर रहे हैं किरोड़ी कि एक बार फिर से कोटा सीट बीजेपी की झोली में आएगी और साथ में अब की बार 400 पार का मिशन भी पूरा होगा। और साथ में उन्होंने जोर देकर कहा है कि जिस तरह की बातें हो रही है कि अगर बीजेपी भारी बहुमत से सत्ता में आई तो आरक्षण से कोई छेड़छाड़ होगी, ये सारी बातें निराधार है। किरोड़ी ने जोर देकर कहा है कि आरक्षण मोदी की गारंटी है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, सुल्तानपुर, कोटा।